तो 16 अध्याय का 6 वचन से पढ़ेंगे। आपका वचन मिल गया है तो मैं 6 से पढ़ूंगा। वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा उन्हें जाने ना दिया। वे मुसिया से होकर त्रोएस में आए। उसके ये दर्शन देखते ही वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनीय पुरुष ही खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोएस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत के मुख्य नगर और रोमियों के बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये सोच कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआथिरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला और वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु के विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मना कर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपनी स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। और पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगे, ये मनुष्य परम प्रधान के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। मैं 18 वचन तक पढ़ा हूँ। तो यहाँ बाइबल के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम जान रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर हमारे संग है। तो अनेक लोग हैं जो आज उनके मन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। निश्चित रूप से वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं जा सकते हैं। वो लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप जब पाप से उद्धार पाके परमेश्वर का आत्मा को ग्रहण करेंगे और पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे तो हम संपूर्ण रूप से नया मनुष्य बन जाते हैं। तो कलीसिया जाने वाले में से भी ऐसे लोग हैं जो उनके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। तो जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते हैं, वो लोग शैतान के द्वारा चलाए चलेंगे।
लेकिन उनको पता नहीं है कि वो लोग आत्मिक रूप से भ्रष्ट हुए हैं। बाइबल में अगर आप देखेंगे कलिसिया के अंदर भी लोग ज्ञान के द्वारा तो जानते हैं, लेकिन उनके पास विश्वास नहीं है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं कि नहीं है। उनका सोच संपूर्ण रूप से भिन्न है। यदि भी समान कलिसिया में है, हमारे कलिसिया में भी ऐसे लोग हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोग मेरे ऊपर इल्जाम ये लगाया कि मैं भ्रष्ट हो गया हूँ और पैसा खा गया हूँ करके, और ये मामला कोर्ट में केस हुआ और न्यायालय में न्यायाधीश ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, और जो प्रोसिक्यूटर मुझे मुझ पर ये केस लगाए थे वो अभी जेल में हैं। विशेष करके लोग अपने सोच को नहीं, शैतान के सोच का अनुसरण करके जाते हैं। तो विशेष करके जुदास इस्करियोत के बारे में जब देखते हैं, वो शैतान की सोच के द्वारा चलाया गया, एक भिन्न रास्ता पे चल रहा था। तो मैं एक पास्टर के रूप में जब काम करता हूँ, मैं ईश्वर के द्वारा चलाए चल रहा हूँ। वर्तमान में जब ये सुसमाचार के काम जब मैं कर रहा हूँ, ये मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। हर साल हम कैंप करते थे और इस साल भी शुरू से ही हमने फैसला किया कि करेंगे, और वहाँ कोरोना का रेस्ट्रिक्शन जो भी था कैंप से पहले सरकार इसको हटा दिया। कैंप जो खत्म हुआ उसके बाद देख रहे हैं देश में पूरा कोरोना फिर बढ़ जा रहा है, इसलिए फिर से कोरोना रेस्ट्रिक्शन लागू है। तो जब इन सब बातों को हम देख रहे हैं, ये मनुष्य की शक्ति के द्वारा संभव नहीं है, सब परमेश्वर की शक्ति से ही संभव होगा। तो हम जब यहाँ देख रहे हैं तो अनेक लोग हैं जो अपने सोच के द्वारा चलाए चल रहे हैं, वो लोग कभी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चल रहे हैं। दुनिया भर में अनेक लोग हैं जो चर्च तो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कलिसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, और कुछ लोग हैं जो सोच के द्वारा चलाए चलते हैं। तो जो लोग अपने सोच को विश्वास नहीं करते हैं, उनके साथ क्या होता है पता है? वर्तमान पौलुस को यहाँ आत्मा में जब चला रहे हैं तो उनको आसिया में सुषमाचार प्रचार करने से रोकते हैं। तब वो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ये जान पाते हैं कि मकिदुनिया में जाके हम सुषमाचार प्रचार करें। तो सच्चाई ये है कि लोग अपने सोच के द्वारा चलाए चल रहे हैं। हम यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा पाए हुए हैं। और ऐसा कलिसिया नहीं है जो यीशु के बारे में सिखाते हैं, ऐसा कलिसिया है जो पाप क्षमा के बारे में लोग सिखा नहीं पाते हैं। बाइबल में यीशु के लहू के द्वारा पाप स्पष्ट रूप से धुल गया है। तो
लेकिन ये बाइबल में स्पष्ट ही कि यीशु के द्वारा हमारा पाप स्पष्ट रूप से क्षमा हुआ है। संसार में अनेक कलीसियां हैं जो अभी भी अपने आप को पापी करके सिखाते हैं। क्यों? बाइबल क्या कहता है? बाइबल में यीशु के द्वारा धर्मी बने हैं लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और 24 में लेकिन लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह सुमहसेन में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहाँ हम कुछ भी भले ही नहीं किए हैं, हमारे विश्वस्तता के द्वारा नहीं, हमारे परिश्रम के द्वारा नहीं, हम कुछ करने के द्वारा नहीं, ईश्वर कर चुके हैं, इसलिए हम धर्मी हैं। ये उद्धार पाए हुए लोगों की कहानी है, पर जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं और वो लोग अपने आप को पापी कह रहे हैं, यीशु से हमारे पापों के लिए कुसार्पित हुए और हमें पापों से उद्धार किए हैं। हम बाइबल में जब देखते हैं यीशु से अपने लहू के द्वारा हमारा पापों को क्षमा कर चुके हैं, पवित्र आत्मा का चलना के अनुसार जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हमारा पाप क्षमा हो चुका है। हम ये बात विश्वास करते हैं, लेकिन जिनके मन में आत्मा नहीं है, यीशु मसीह पाप क्षमा के लिए मरकर पुनर्स्थित होने के बाद भी पापी बोलते हैं, लेकिन ये संपूर्ण अलग बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन कह सकता है कि मैं धर्मी हूँ? ज्यादातर लोग हाथ उठा रहे हैं। पहले लाइन में जो बैठे हैं, क्या आप लोग धर्मी नहीं है? हाथ नीचे कीजिए। तो हम पहले से धर्मी थे, लेकिन कब पता चला कि हम धर्मी हैं? प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पापों के अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा, मेरा पाप हिम के समान उजले हो गया है। ये वचनों को लोग विश्वास नहीं करके अपनी सोच को अनुसरण करते हैं। बाइबल क्या कहता है? बाइबल में लिखा है ना, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रही थे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह में है सेन में धर्मी ठहराए जाते हैं। यदि परमेश्वर कह रहा है हम धर्मी है तो हम धर्मी है, लेकिन आज अनेक कलीसिया के लोग अपने आप को पापी कह रहे हैं। हम यदि अपने आप को पापी कहें, इसका मतलब यीशु का क्रूस असफल हुआ है। हमारे पापों की क्षमा के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम अब भी अपने आप को पापी कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि यीशु असफल हुए हैं। अनेक लोग यद्य भी बाइबल पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे फिर पढ़ रहे हैं, परंतु मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूँ परमेश्वर मुझे धर्मी कह रहे हैं, हमें धर्मी कह रहे हैं। यदि परमेश्वर हमें धर्मी कह रहे हैं तो कौन हमारा विरोधी ठहरेगा? परमेश्वर जब हमें धर्मी ठहराए हैं तो कौन हमें दोष लगा सकता है? सबने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रही थे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में छुटकारा है उसी के द्वारा सेन में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम ये वचनों को विश्वास करते हैं। यदि भी आप समान वचनों को सुन रहे हैं जिनके मन में पवित्र आत्मा नहीं है, वो लोग अपने आप को पवित्र नहीं बोल पाते हैं, जो लोग चर्च जाके अपने आप को पापी बोलते हैं वो लोग परमेश्वर का वचनों को विश्वास नहीं करके अपने सोच को विश्वास करते हैं।
हमारा मन कैसा भी हो लेकिन हम परमेश्वर का वचनों को विश्वास करते हैं। मैं पाप किया था, मैं पापी था, लेकिन प्रभु जब मुझे धर्मी कह रहे हैं तो मैं धर्मी हूं। आप लोग क्या धर्मी हैं? क्या क्या आप लोग पापी हैं? हाँ, आप जब उस सच्चाई को जानेंगे, आप अपने ज्ञान के अनुसार नहीं जान रहे, पवित्र आत्मा जब आपके मन में प्रवेश करता है, हाँ, परमेश्वर हमें धर्मी कह रहा है। जब परमेश्वर हमें धर्मी कह रहा है तो हम धर्मी है, मैं पवित्र हूं। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप ये बात को नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी हैं। लेकिन अनेक लोग अभी भी अपने आप को पापी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। कभी कभी लोग अपने आप से कहते हैं कि हम उद्धार पाए हैं, लेकिन अजीब बात ऐसा करते हैं जो अर्थ नहीं बनता है। अगर आप पवित्र आत्मा को अगर ज्ञान के द्वारा जानते हैं, तो जब आप पवित्र आत्मा को विश्वास से ग्रहण किए हैं तो आपको स्वतंत्र करेंगे। अभी पौलुस उनको एशिया में जब सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, प्रभु उनको मना करते हैं, यह पवित्र आत्मा की इच्छा नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा की इच्छा था कि यही सुसमाचार बाकी दुनिया में भी प्रचार हो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे और जगत के अंत तक सुसमाचार प्रचार करोगे। यीशु केवल क्रूस पर क्रूसार्पित हुए हैं, उतना ही नहीं है, लेकिन वो क्रूस पे क्रूसार्पित होने के द्वारा हमारा सारे पाप क्षमा कर चुके हैं। तो लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? मैं पाप किया हूं इसलिए मैं पापी हूं कहते हैं। तो आप भी ऐसे ही जीवन जी रहे थे ना? हाँ, इस प्रकार जीते हैं। तो जो लोग आत्मा के साथ नहीं है, जो लोग अपने सोच के अनुसार हैं, जो आत्मा को तुच्छ मानते हैं, तो उनके नजर में हम मूर्ख के जैसा दिखते हैं। तो पौलुस जब आसिया में सुसमाचार प्रचार करते हैं, वहां वो दर्शन में देख रहे हैं कि कोई माकिदुनिया का व्यक्ति है। एशिया जो कहा जाता है, वर्तमान का तुर्की इलाका है वो, तो माकिदुनिया जो कहा जाता था यूरोप की तरफ है वर्तमान के। तो परमेश्वर चाहते थे कि रोम के पास भी सुसमाचार प्रचारित हो। पवित्र आत्मा सारा जगत में सुसमाचार प्रचार कराना चाहते हैं। वहां रोमियो में जब सुसमाचार प्रचार हुआ, वहां बहुत लोग सताए गए, और रोम से लेकर एशिया में, यूरोप में सुसमाचार फिर फैलने लगा। तो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ एशिया में नहीं, यूरोप भी जाओ। हम रिट्रीट कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं पता है? तो हमारे मन में पवित्र आत्मा ऐसे करते हैं।
अनेक लोग हमारे द्वारा नए सिरे से जन्म होंगे। परमेश्वर आश्चर्य रूप से काम कर रहे हैं। पहले हमारे देश में मैं ही अकेला कह रहा था मैं धर्मी हूं, लोग मुझे भरमाने वाला कह रहे थे। नहीं, पाप नहीं किया हूं इसलिए मैं धर्मी हूं, ऐसा नहीं है। लोग पूछ रहे थे, क्या तुम पाप नहीं किया हो इसलिए धर्मी हो क्या? मैं बोलता, नहीं मैं तो पाप किया हूं। हाँ तो फिर पापी है, लेकिन यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर चुके हैं इसलिए मैं धर्मी हूं। वो लोग ऐसे कहते हैं। अभी भी अनेक लोग अपने आप को पापी ही कहते हैं। जब हम पाप नहीं है बोलते हैं, लोग हमें भरमाने वाला बोलते हैं। तो सबसे जरूरी बात है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं और हमारे अंदर जीते हैं। जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ उस समय ये बहुत कष्टदायक समय था, और जब कोरोना शुरू हुआ हम ऑफलाइन सर्विस नहीं कर पाए, हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, हम ऑफलाइन नहीं कर सके तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हमने किया। रशियन, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ऐसे पांच भाषाओं में वो अनुवादन किया गया था, मुख्य भाषाओं में। और आश्चर्य की भाषा है, आश्चर्य की बात है। हर साल हम गुच्छंग स्काईडोंग में जब हम प्रोग्राम करते थे ईस्टर का सर्विस, तकरीबन 30,000 लोग आए करते थे। लेकिन जब रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश में ये प्रचार किया ऑनलाइन, तो उस समय कितने लोग थे? एक सेशन में 20,00,000 लोग आए थे। इस साल फिर से पास्टर सेरवाडा युगंडा में इनवाइट किए हैं। पहले एक बार हम गए थे वहां, एक दिन में 1,00,000 लोग एकत्रित हुए थे। ये बात हम यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये सुसमाचार बहुत शक्ति से प्रचारित हुआ है। अभी अनेक पास्टर लोग ये वचनों को सुन रहे हैं और उस वचनों को सुन के आनंदित हो रहे हैं। अनेक लोग हमें पापी करके विरोध कर रहे हैं। क्या परमेश्वर हमें धर्मी कहता है तो क्या हम धर्मी नहीं है? प्रभु क्या कह रहा है? हम धर्मी कह रहा है, लेकिन लोग अभी कह रहे हैं कि हम पापी हैं। मैं पापी कहना नम्रता नहीं है, वरन नरक जा रहे हैं। मैं भी सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन पवित्र आत्मा जो प्रवेश किया, यीशु के लहू के द्वारा मेरा पाप क्षमा हो गया। मैं पवित्र हूं करके उन्होंने मुझे बताया। तो ये सुसमाचार हम प्रचार करते हैं। तो अनेक साल तक लोग हमारे द्वारा सुसमाचार सुन के उद्धार पाए हैं। कुछ दिन पहले मैं साउथ अमेरिका गया हुआ था। वहां अभी तो साउथ अमेरिका में सर्दी था, उस समय बहुत सर्दी हुआ था। तो कोरिया में जब लौट के आ रहा था, कोरिया हेडक्वार्टर से मुझे बताया कि आप जर्मनी से होकर आइए, और जर्मनी में जो यूक्रेनियन
लोग जो है युद्ध से बच के शरण लिए हैं, उनको आप शांति देकर आइए। तो वो यूक्रेनियन लोगों को मैं शांति देने के लिए गया। तो जब वो यूक्रेन से आ गए थे तो जर्मनी कलिशिया हमारा भी उन्हें मदद किया। तो हमारा कलिशिया जब उनको मदद कर रहा था, वो लोग वहां रहने पाए उस दिन। लेकिन जर्मनी के पास्टर मुझे कहे थे कि मौसम विभाग कहा है आज बारिश होगा जोर से। यूक्रेनियन लोगों के पास अभी कोई कार नहीं है, लेकिन वो लोग रिफ्यूजी के रूप में हमारे देश में है, तो कैसे बारिश होने पर आ सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, उस दिन 1500 यूक्रेनियन लोग आए हुए थे, ग्रेशियस कर गीत गाए और मैंने प्रचार किया। और वहीं से यूक्रेनियन डांस टीम निकले, तो इंटरनेशनल क्वायर कंपटीशन में कोरिया को आए और ग्रैंड प्राइज लेकर गए। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से, आशीष से हुआ और डांस में फर्स्ट हुए। तो वीजा देने में उनको शर्त लगाए थे कि आप फर्स्ट होना चाहिए। मैं उनको फर्स्ट प्राइज नहीं दिया हूं, जर्मन ये जजेस दिए हैं। जब मैंने ये सुना मैं बहुत खुश हुआ। परमेश्वर हमारे मन में वास करते हैं। तो यूक्रेनियन लोगों को जाकर मैंने शांति दिया। तो हमारे भाई बहनों के पास वो लोग आए और अनेक लोग उनके द्वारा उद्धार पाए। तो वहां एक बहन थी जो मैं से कोरियन से ट्रांसलेट कर रही थी, तो मैं उनको पूछा आप कैसे कोरियन जानते हो, तो वो कोरियन आके रही थी। तो वर्तमान जब ये आशय में पवित्र आत्मा पौलुस को मना किया, तो उनको कहता है यूरोप में जाके सुसमाचार प्रचार करो। वो दर्शन में देख रहे हैं कि यूरोप से, माकिदुनिया से कोई आदमी उनको मदद मांग रहा है, और पौलुस जाते हैं उन्हें प्रचार करने के लिए। तो वहां जितने भी जन सैलाब थे उनमें से एक भाग पूरा क्रिश्चियन हो गए। तीन भाग से एक भाग जब क्रिश्चियन हो जाते हैं, कितना आश्चर्य बात हो रहा है। तभी सुसमाचार रोम से दुनिया भर में प्रचारित हुआ। यह बहुत आश्चर्य बात है। तो पवित्र आत्मा वहां इस प्रकार काम किए। तो हमारे युग में परमेश्वर हमारे द्वारा ये सुसमाचार को प्रचार करने को दिए हैं।
आश्चर्य काम जो है परमेश्वर हमारे द्वारा कर रहे हैं। ये पास्टर रुक्षुपा के द्वारा नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये सब कर रहे हैं। वर्तमान पौलुस मकिदुनिया जा रहे हैं, तो उस समय पौलुस जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, तो वहां एक भूत से पकड़ी हुई एक स्त्री है, और पौलुस जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो ये कह रही है, हाँ ये वही है जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, ये प्रभु के दास हैं। तो लोगों का ये जो माहौल था उसको वो खराब कर रही थी। उसको अच्छे से पता है कि पौलुस क्या कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं। पौलुस उसको सामना करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जहां कहीं भी जाते हैं उसके पीछे पीछे चिल्लाने लगे। तो पौलुस ने उसे कहते हैं कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। जब दुष्टात्मा उसके ऊपर था वो बहुत अच्छे से भाभी कह रही थी वो, लेकिन अभी दुष्टात्मा निकल जाने के बाद वो फिर भाभी नहीं कर पाती है। अब ये पौलुस को दोष लगा रही है उसका स्वामी। फिर वो निराश हो जाता है, सब लोग पौलुस को बंदी बनाकर उन्हें मारते हैं। तो पौलुस को बंदी करके रखते हैं, लेकिन वो कारागार में भी परमेश्वर का स्तुति गान कर रहे थे, और परमेश्वर वहां भूकंप करते हैं, और वहां जो रक्षक है बंदीघर के रक्षक, लेकिन वहां दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और उसके बाद ये कारागार के रक्षक जो देख रहा है कि जब गेट खुल गया है तो उन्होंने सोचा ये सब बंदी लोग भाग गए। पौलुस लेकिन वहां कह रहा है कि हम यहाँ हैं, हम कहीं भागे नहीं है। वो अपने आप को मारना चाहता था, और ये देखा कोई भी भागा नहीं है, सब यहाँ है। फिर वहां यीशु उनको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधर पाएगा। तो वहां पूरा परिवार सुसमाचार के द्वारा उधर पा रहे हैं। यही कारागार है। इस बंदी घर में पौलुस सुसमाचार प्रचारक हो गए हैं। अभी बंदी घर का जो रक्षक था वो नए सिरे से जन्म हुआ, अनेक पाप किया है, इसलिए पाप से कष्ट पा रहा था। एक पास्टर थे जो जेल में था, वो अपराध किए हुए थे, लेकिन वो नए सिरे से जन्म होने के बाद अभी केन्या में जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं। जेल में जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो वहां ट्रेनिंग दे के पास्टर के रूप में भी लोगों का अभिषेक किए हैं।
तो परमेश्वर अभी जब उनके लिए काम कर रहे हैं, आश्चर्य सुसमाचार हो रहा है, सुसमाचार का काम हो रहा है। तो जब ऑफलाइन कार्यक्रम नहीं बन रहा था तो लॉकडाउन में उन्होंने जेलों में टीवी इंस्टॉल करवाए और वहाँ पेन ड्राइव में भेजते थे वचन और वो लोग वहीं वचन सुनते थे। मैं कोई देश में जब जाता हूँ अनेक वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करते हैं, अनेक लोग उद्धार पाते हैं। तो कोरियन में भी अनेक भाषाओं में भी सुषमाचार हम प्रचार करते हैं और लोग पाप क्षमा पा के उद्धार पाते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर हमें मदद कर रहे हैं। ये हमारा नहीं है, परमेश्वर का काम है। ये इतना आश्चर्यमय बात है। मैं परमेश्वर के निकट अति धन्यवादित हूँ। जब हम क्याम करते हैं और क्याम के द्वारा सुषमाचार हम प्रचार करते हैं और अनेक लोग पाप क्षमा पाते हैं। जब हम सुषमाचार प्रचार करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, अनेक स्टूडेंट लोगों को हम सुषमाचार प्रचार करके भिन्न भिन्न देश भेजते हैं, तो ये अत्यंत आनंद की बात है। ये मेरा काम नहीं है सुषमाचार, इस काम में परमेश्वर शक्ति दे रहे हैं। अब सुषमाचार जाके रोम में प्रचारित हुआ, वो सुषमाचार ऐसे से माकिदुनिया गया, माकिदुनिया से रोम को गया और रोम से पूरा दुनिया भर में सुषमाचार फैला है। आश्चर्य रूप से ये सुषमाचार का काम होते हुए हम देखते हैं। तो हम जब जी रहे हैं ऐसे ही नहीं जी रहे हैं, वरन सुषमाचार के लिए जी रहे हैं। मैं जब माइंड एजुकेशन शुरू किया तो उस माइंड एजुकेशन के द्वारा सब युवा पीढ़ियों को हम अगुवाई कर पा रहे हैं। तो अनेक देशों में परमेश्वर ये माइंड एजुकेशन के द्वारा काम करने के लिए प्रभु रास्ता खोल दिए और लोग पाप क्षमा पा रहे हैं। एक मशहूर पास्टर संसार छोड़ के चल बसे और मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था पता है? मैं शरीर में हूं या शरीर के बाहर हूं पता नहीं, लेकिन मैं सपने में नरक गया हुआ था और नरक में मन फिरावा का प्रार्थना किया तो प्रभु मुझे स्वर्ग ले गया। देखिए, पापों को अंगीकार करने का मतलब पाप क्षमा नहीं है। पाप अंगीकार जब कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपको पाप का पहचान हुआ, पाप का ज्ञान हुआ। लेकिन पाप अंगीकार करके मैं पाप क्षमा पाया ऐसा बात नहीं है। आप रो रो के पाप अंगीकार करेंगे तो भी आपको पाप क्षमा नहीं मिलेगा। पाप स्वीकार किया इसलिए मैं स्वर्ग स्थानांतर हुआ, ये बेकार बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप धनी व्यक्ति और लाजरस की कहानी जब देखते हैं, वहां पे लाजरस कहां पर है, धनी व्यक्ति कहां पर है, वो नरक में। धनी व्यक्ति और लाजरस को क्या कहता है, अब्राहम को कहता है कि उसको जरा भेज के भेजिए ताकि वो एक बूंद पानी अपना उंगली से डुबा के मेरे जीभ को ठंडा करे। लेकिन अब्राहम कहते हैं कि जो उस जगह गया है वो यहाँ नहीं आ सकता और जो यहाँ स्वर्ग पे आया है वो उस जगह नहीं जा सकता। वो गीत क्या है, मेरा पाप क्या धोवेगा, पाप के शिकार, ऐसा है क्या? प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू लिखा है। लोग सिखाते हैं तुम पाप का स्वीकार करो पाप क्षमा मिलेगा।
तो ईसा मसीह क्रूस पे क्यों मृत्यु सहे? क्योंकि उसका मृत्यु ही हमारा पाप क्षमा कर सकता है। और जब यीशु को आप विश्वास करते हैं और यीशु जब उनके लिए लहू बहा चुके हैं तो उसके द्वारा पाप क्षमा हो चुका है। सारा दुनिया में लोग यीशु समझा सुन के पाप क्षमा पा रहे हैं। जो लोग अभी भी अपने आप को पापी कह रहे हैं, ये कितना मजा किया बात है ना। बाइबल हमें क्या कह रहा है, हमें धर्मी करके गिन रहे हैं। यदि अभी भी हम अपने आप को पापी कह रहे हैं तो यीशु का मृत्यु अर्थहीन है। लेकिन ये सब बातों में हमें जो प्रेम करते हैं उस यीशु के अंदर हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। ये कॉन्फ्रेंस में कोई है क्या जो नए सिरे से जन्म हुए हैं? नए सिरे से जन्म होना मतलब प्रभु का स्तुति गान करना। आप अगर इस कॉन्फ्रेंस में नए सिरे से जन्म हुए हैं तो हाथ उठाइएगा। हाँ हाथ उठाइए। परमेश्वर आपके मनों में काम कर रहे हैं, आश्चर्य में बात है। क्योंकि एक आत्मा भी है सारे ब्रह्मांड से भी मूल्यवान है। इसलिए ये सुसमाचार को लेकर सारे जगत में प्रचार कीजिए। आप जब सुसमाचार प्रचार करेंगे हर बातों में परमेश्वर आपको मदद करेगा। जो लोग पाप क्षमा पाए हैं तो परमेश्वर उनके द्वारा अन्य लोगों को भी उद्धार करेंगे। चार लोग होंगे, चार से आठ होंगे, फिर 16 होंगे, 32 होंगे, इस प्रकार वो 128 हिसाब के बढ़ते बढ़ते जाएगा। यानी कि एक जन के पीछे कितने हैं? 128 लोग हैं। अगर एक व्यक्ति उद्धार पाना कहने का मतलब 128 लोग उद्धार पा रहे हैं। अगर आप पाप क्षमा पाए हैं तो आपके द्वारा नहीं है और परमेश्वर के द्वारा हुआ है। तो जब आप निश्चिंत विश्वास पाएंगे तो पवित्र आत्मा आपके मन में निवास करेंगे। तो आपके मन में जो पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं वो आश्चर्य की बात है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवादित हूँ। तो आप जहां कहीं भी जाए सुसमाचार प्रचार करें। तो परमेश्वर आपको देख के आनंदित होंगे। लेकिन आप जब अपने आप को पापी कह रहे हैं तो परमेश्वर का बहुत दुख है। इसलिए आप पवित्र आत्मा के द्वारा जगत के अंत तक सुसमाचार प्रचार करें। मैं आशा करता हूँ ये सुसमाचार प्रचार का आशीष आपके ऊपर आए और महिमा से हम स्वर्ग राज्य में परमेश्वर को मिलेंगे। आप अपने उद्धार के मामले में अनिश्चित ना रहें, निश्चित विश्वास पाके जिए। तो आप निश्चिंत हो जाइए, यीशु आपका पाप क्षमा किए हैं करके। तो हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पौलुस रोम को गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए और रोम से सारा दुनिया में सुसमाचार प्रचारित हुआ। अनेक लोग अभी तक ये सुसमाचार नहीं जानते हैं।
जैसा वो आपके अनुग्रह से ये सुसमाचार को जानेंगे, प्रभु उनको आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद।